कैंट पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट व डकैती में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को हीरापुर कॉलोनी के पास से रेलवे रोडवेज चौराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुनील उर्फ बहादुर पुत्र स्वर्गीय श्रीराम निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जो कि विगत काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसने अपने अन्य नामित साथियों के साथ मिलकर पेशेवर तरीके से लूट व डकैती की घटनाएं कारित की हैं। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को शैलेंद्र कुमार मिश्र पुत्र नमेंद्र मिश्र निवासी रुस्तमपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के द्वारा अपने कुछ जानने वाले लोगों से कुल 4,60,000 रुपया बलदेव प्लाजा से उधार लेकर अपने घर रुस्तमपुर जाने के लिए निकले थे कि समय करीब शाम 7 बजे के आसपास रुस्तमपुर स्थित उनके घर के पास से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन रोककर उसके हाथ से पैसों वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसके संबंध में आवेदक की सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अपराधी सुनील चौहान उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है, जो नेपाल राष्ट्र में कारोबारियों व्यापारियों की रैकी कर उनके साथ लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के द्वारा पूर्व की कई घटनाओं में हत्या तक की गई है। इस तरह के जघन्य अपराधों में इनमें कुछ साथियों द्वारा कारोबारियों व्यापारियों के आने जाने की मुखबिरी रैकी की जाती है, तथा संयुक्त रूप से इस गैंग द्वारा अवैध असलहों से लैस होकर रास्ते में ही आने जाने वाले कारोबारियों व्यापारियों से लूट व डकैती जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसको देखते हुए रैकी व मुखबिरी करने वाले अन्य अपराधियों के विषय में पुलिस द्वारा जानकारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, धीरज सिंह, अरुण कुमार यादव, अरुण राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट एवं सर्विलांस सेल द्वारा एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक 25,000 के इनामी जो लूट एवं डकैती के जैसे संगीन अपराधों में यहां से मफरूर चल रहा था, उसका नाम सुनील उर्फ बहादुर है। ये मोहरीपुर थाना चिलौताल का रहने वाला है। ये लोग एक ऐसे संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो नेपाल में रेकी करते हैं व्यापारियों की, एवं नेपाल से जब व्यक्ति गोरखपुर या अगल बगल के जनपद में आता है तब उनकी रेकी कर उनसे लूट और डकैती का प्रयास करते हैं। इस अपराधी पर 10 मुकदमे हत्या के प्रयास एवं लूट एवं डकैती के दर्ज हैं। गोरखपुर में इन्होंने थाना रामगढ़ ताल में कैंट के बॉर्डर पर रुस्तमपुर में एक लूट की घटना इसी साल की थी, जो कि बाद में डकैती में तरमीम हुई एवं 4,60,000 की लूट थी, एवं उसमें ये भी व्यक्ति सम्मिलित था, उसी पे ही 25,000 रुपये का इनाम था, और इसके लिए थाना कैंट एवं सर्विलांस टीम बधाई के पात्र है। कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, एवं थाना कैंट एवं सर्विलांस की टीम उन लोगों की धरपकड़ में भी प्रयास कर रही है। कुछ लोग हैं जो अभी नेपाल में हैं, उनका समय रहते पुलिस द्वारा उनको भी पकड़ा जाए। ये 25,000 का इनामिया था, एवं इसके कुछ साथी और हैं, वो भी 25,000 के इनामी हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। थाना कैंट एवं सर्विलांस टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इसके। अभी तक प्रकाश में 4 लूट एवं डकैती की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, एवं इस पर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं जो हत्या के प्रयास एवं लूट और डकैती के हैं। नहीं, मूलतः वो भारतीय मूल के ही लोग थे, एवं भारतीय मूल के लोगों के साथ ही इस तरह की घटनाएं करते हैं।